नमस्कार दोस्तों, मिक्सी के इस जार का जो ये बुश है इसे हमने बदलना है। आप मिक्सी के जार को देखेंगे तो ये घूम रहा है। इसे हम खोल के देखते हैं इसमें दिक्कत क्या है। तो आपने ये जो इसकी ब्लेड है इसे बाहर निकाला, वाशर इसके बाहर निकाले। अब आप देखेंगे तो इसके जो ये शाफ्ट है बुश में इतनी ज़्यादा प्ले है कि ये लीक भी कर रहा है जार, और इसकी प्ले की वजह से जो है इसमें आवाज़ भी बहुत है और काफ़ी पुराना भी हो गया है ये। तो हमें इसका बुश जो ये बुश है इसे बदलना है। इसे हम कैसे बदलेंगे यही हम इस वीडियो में देखते हैं। ये नया बुश है, इसको हमने इस शाफ्ट में डाला इस तरह से, तो ये थोड़ा टाइट है और इसके अंदर ये जो है थोड़ा सा, क्योंकि नया बुश है इसलिए थोड़ा सा टाइट है। इसे हमने इस तरह से हम इसे डाल लिए और थोड़ा सा इसे जो है फ्री करेंगे। ये काम हमें पहले कर लेना है नए बुश को डालने से पहले, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। देखिए आराम से ये अब जा रहा है और इसमें बिल्कुल भी प्ले नहीं है। थोड़ा सा आप इसे घुमाएंगे तो ये बिल्कुल जो है फ्री हो जाएगा। ये इस तरह से अभी थोड़ा सा टाइट चल रहा है इसमें, लेकिन एक दो बार आप इसे करेंगे तो ये आराम से जो है फ्री हो जाएगा। अब हमें इस जो इसका बुश है इसे चेंज करना है। इस तरह से आपके पास एक शाफ्ट होनी चाहिए जो बिल्कुल जो है हमारे बुश के साइज के हिसाब से होनी चाहिए। अगर आपके पास प्रेशर मशीन नहीं है तो इस तरह से हम इसे मार के देखते हैं। अगर ये बुश जो है ज़्यादा जाम नहीं होगा तो इस तरह से आराम से निकल जाएगा और हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमें ज़बरदस्ती नहीं करनी है, जैसे कि ये निकल नहीं रहा है अभी। यहाँ पर एक प्लेट लगी है जिसमें हमारा बुश जो है फिट है, और यहाँ से आप देखेंगे ये तीन पेच इसमें लगे हैं। तो सबसे पहले हम अपने इन तीन पेचों को खोल लेते हैं। थोड़ा सा जाम होंगे ये, तो थोड़ा हमें आराम से इन तीन पेचों को खोल लेना है, क्योंकि इन्हीं को ही हम फिर से लगाएंगे। अगर गल गए हैं तो आप उन्हें नया भी लगा सकते हैं। पीछे के जो ये नट बोल्ट हैं, पीछे से इसे इस तरह से ढीला करके इन्हें तीनों को हमें जो है निकाल लेना है। ये पतले पतले से हैं और जो हमारे स्विच सॉकेट में लगते हैं उसी टाइप के हैं ये। उसके बाद अब हमें जो है यहाँ ऊपर से इसमें हम हल्के से मारेंगे, इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। और इसकी वाशर अभी आपने रखनी है। ये जो प्लेट है इस प्लेट में जो है बुश लगा है, और ये देख लेना है कि ये किस तरह से लगा हुआ था। ये इस तरह नीचे से लगा था, इसी तरह से हम जो है अपने बुश को बदल के फिट करेंगे इसमें। ऊपर से आप इसे लगाएंगे तो ये नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें खांचे बने हैं प्लेट में, तो ये इस तरह से नीचे से ही खांचे में फिट होके जो हमारा ये सॉकेट है इसमें कट बने हैं, तो उन कट में जो है फिट करके हमने लगाना है। और ये प्लेट है, एक हमें इस तरह से चाहिए कोई पाइप, और इसमें रख के हम ऊपर से जो है जो हमारी बुश के नाप की शाफ्ट है इस तरह से आप हल्के हल्के मारेंगे तो इससे हमारी जो ये बुश प्लेट है ये टूटेगी नहीं और आराम से हमारा बुश भी निकल जाएगा। जिस दशा में हमारा पुराना बुश लगा था, जितना बाहर निकला था दोनों साइड से, उसी
तो हम जो है नए पुष्प को इसमें फिट कर लेंगे। हल्के हल्के हाथ से हम इसे मारेंगे तो जिधर से हमारी जो ये प्लेट है जिसमें जिधर से कम था बुश बाहर निकला हुआ, उसी तरह हम इसे जो है फिट करेंगे। जितना वो ऊपर था और जितना नीचे था, जैसे इस साइड से ज़्यादा था इस साइड से कम था, तो उसी तरह हमें जो है इस बुश को फिट करना है। ये चीज़ हमें पहले देख लेनी है कि कितना ये बाहर निकला था किस साइड से और कितना अंदर फिट था। तो ये हमारा बुश जो है फिट हो गया है और ये पुराना बुश है। इसमें कितनी प्ले थी आप इस तरह से देख सकते हैं, एक तरफ से कम है और इधर की तरफ से बहुत ज़्यादा प्ले है, जिसके चक्कर में ये जार जो है इससे जो है टपकने का भी हो रहा था और आवाज़ भी बहुत कर रहा था। ये अब हमें इस प्लेट को इसमें जिस तरह से ये लगा था उसी तरह से इसे फिट करना है। सॉकेट में जो खांचे हैं उसी उन्हीं खांचों में जो है इसे फिट करना है। ऊपर की तरफ से ये फिट नहीं होगा आप कितनी भी कोशिश करेंगे। तो हमें इस तरह से जो है ये डालना है। यहाँ पर देखिए आप ये इसका खांचा बना बने हैं, दो तीन खांचे हैं ये, इसके अंदर जो है ये प्लेट जो है गई है। ये जो इसका पुराना वाशर है इसकी थोड़ा सा हमें सफाई कर लेनी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं भी लगा सकते हैं। मिक्सी के जार भी अलग अलग तरह के होते हैं, तो जो इस तरह की जो इसकी वाशरें हैं इन्हें जो है अगर ये बढ़िया तरीके से निकल जाती हैं तो और सही हैं तो आप इन्हें ही लगा सकते हैं। इसमें जो है तीन छेद जो बने हैं इन्हें हमें मिला के जो है वाशर को लगाना है। ये जो तीन छेद हैं जोड़ना तोड़ना तो आसान होता है, जोड़ना थोड़ा कठिन होता है, तो इसलिए जो है जब आप यहाँ पर काम करेंगे तो आपको थोड़ा दिक्कत होगी। और इसमें टाइम भी थोड़ा सा लगेगा, तो जहाँ पर जो छेद है उसे जो है उसी तरह हमें लगाना है जिससे कि वो आगे पीछे ना हो। यहाँ पर हमने ये वाशर मिला ली हैं और ये दूसरा वाशर जो उस पे लगा है, उसके बाद जब आप इसे लगाएंगे तो आपको थोड़ा दिक्कत होगी क्योंकि ये बुश जो है इसमें एकदम से जाएगा नहीं, थोड़ा सा मेहनत करके इसे डालना पड़ेगा। ज़्यादा जोर नहीं लगेगा लेकिन वो छेद मिलाने के चक्कर में जो है आपने इसे हल्का सा इस तरह से प्रेस करना है तो ये सॉकेट जो है जो बुश है वो जार में चले जाएगा। उसके बाद इसे थोड़ा सा आप घुमा के एडजस्टमेंट करके जो इसके छेद हैं होल हैं उन्हें जो है मिला के अपने पेच को लगा लेंगे। ये मिलाने हैं, तीनों पेच हमने लगाने हैं। उसके बाद आप इन्हें तीनों पेचों को कस लेंगे। जार में काम है, ऐसा नहीं है कि ये सब फटाफट हो गया, इसमें जो है टाइम लगा है। तीनों पेच हम जो है इसमें लगा लेंगे।
यहाँ बाहर आ जाएगा और इसमें जो है इसके पीछे से जो बोल्ट है इसका नट बोल्ट दोनों को हम कस लेंगे। ये तीन है ये सब करने में टाइम लगता ही है, फटाफट वाला काम नहीं है ये, जैसा वीडियो में फटाफट हो जाता है। और जब हम इसके पेज को कसेंगे तीनों पेज को तो हमें बराबर बराबर कसना है, इस चीज़ का हमें ध्यान देना है, जिससे कि वो जो हमारी हमारा जो वाशर है वो तीनों साइड से जो है बिल्कुल टाइट इसमें जो है कसे, कहीं पर गैपिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो लीकेज की समस्या होगी। और जो हम कपलिंग लगाएंगे वो हल्का टेढ़ी भी हो सकती है, तो इसलिए तीनों पेचों को हम बराबर कसेंगे। तो ये हमारे बुश लग गया है और पेच हमने कस लिए हैं। उसके बाद जो है बुश बदलते समय इस प्लेट का हमें ध्यान रखना है कि ये प्लेट ना टूटे, नहीं तो आपको फिर नई लानी पड़ेगी। वो जो नई प्लेट मिलती है वो बुश लगी हुई मिलती है। उसके बाद आप जो है अपनी शाफ्ट को इसमें मोमलेल लगा के बिल्कुल इसमें जो है फ्री कर लेंगे। इस तरह से आप दो तीन चार बार घुमाएंगे तो ये बिल्कुल फ्री हो जाएगी, फ्री मूवमेंट इसमें होना चाहिए। दोनों साइड से आप इसे बराबर जो है इस तरह से अपनी शाफ्ट को डाल के बिल्कुल फ्री कर लेंगे दोनों साइड से, एक बार इधर से डाल के और एक बार अंदर से जार के अंदर से डाल के, जिससे कि बुश हमारा बराबर उसमें रहे। जब इतना काम आप कर लेते हैं तो उसके बाद इसमें मोमलेल डाल के बीच बीच में इसकी जो है सफाई भी करनी है, कपड़े से इसे थोड़ा सा साफ कर लेना है, जिससे कि जो हम घिस रहे हैं तो जो घिसावट का कूड़ा है वो जो है साफ हो जाए, इसमें ना रहे। उसके बाद जब आपको लगता है कि ये फ्री हो गया है तो जितनी वाशर इसमें नीचे थी उतनी वाशर आप इसमें नीचे डालिए, और जितनी वाशर ऊपर थी जार के अंदर की तरफ उतनी ऊपर डाल दीजिए, या फिर आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, वाशर ऊपर नीचे भी कर सकते हैं मिक्सी की कपलिंग के हिसाब से। उसके बाद आप इसमें ब्लेड लगा के इसमें देख सकते हैं, ये जो इसके पेज हैं ये राइट हैंड साइड भी घूमते हैं और लेफ्ट हैंड साइड भी, तो जिधर को ये कस रहा है उधर को आप इसे कस लीजिए। उसके बाद इसे आप घुमा के देखिए हाथ से कि बिल्कुल फ्री मूवमेंट है या नहीं, नहीं तो आप वाशर को कम भी कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइट है तो हम इसमें से एक वाशर निकाल लेंगे ऊपर की तरफ से, नीचे से अगर वाशर आप कम करेंगे तो हो सकता है कि हमारी जो जार की कपलिंग है वो मिक्सी के कपलिंग से ना मिले, तो इसलिए हम ऊपर से इससे जो है एक वाशर निकाल लेंगे।
फिर अपनी ब्लेड को जो है इसमें कस लीजिए। अब ये जो है बिल्कुल फ्री मूवमेंट हो गया है। हमें इस जार को चेक करना है, इसमें हम पानी भरेंगे, कहीं से कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है। तो अभी तक तो कुछ लीकेज नहीं है, थोड़ी देर हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। अगर कोई लीकेज होगा तो हमें पता लग जाएगा। कुछ भी इसमें जो है पानी का लीकेज नहीं है। थोड़ी देर हम इसे ऐसे ही रख देते हैं। बुश बदलने का तरीका आपने देखा, थोड़ा मेहनत वाला काम है लेकिन आराम से आप इसे बदल सकते हैं। अब थोड़ी देर हमने रखा, उसके बाद हमने इसे खोला तो आराम से हमारा बुश बदल गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।